हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए लगातार 3 साल से बोनस शेयर्स बांट रहा है। लगातार 3 साल, मतलब कि 2017, 2018, 2019, इन तीनों सालों में एक ऐसा अकेला शेयर है कि 3 साल से लगातार बोनस दिए जा रहा है। आप देख सकते हो, पूरा डाटा उठा के देख सकते हो, सर्च करके देख सकते हो, ऐसा कोई शेयर आपको मिलेगा नहीं जिसने पिछले 3 सालों में लगातार बोनस दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस स्टॉक में भारी गिरावट चल रही है, मैं कहूँगा भारी गिरावट, और ये स्टॉक धीरे धीरे करके अपने 105 की तरफ जा रहा है। अब ये 500 105 की तरह जा रहा है, मतलब क्या है कि भैया 105 की तरफ जाना अपने आप में एक बड़ा पॉइंट है। 105 जो इसकी बुक वैल्यू है उसके आसपास से जा रहा है। ज़रा देखते हैं स्टॉक को टेक्निकली, फंडामेंटली देखिए, 3 बार ये बोनस दे चुका है, 2018, 2019 और 2017। आप देख सकते हो यहाँ पे, अभी 2019 में 1:1 का बोनस दिया था, 2018 में 1:3 का बोनस दिया था, 2017 में 1:3 का बोनस दिया था, और उससे पहले 2008 में 1:2 का बोनस दिया था। हर 2 शेयर पे 1 शेयर का बोनस, 3 शेयर पे 1 शेयर का बोनस, 3 शेयर पे 1 शेयर का बोनस, और यहाँ पे दे दिया इसने 1 शेयर पे 1 शेयर का बोनस। अभी जुलाई में ही इसने बोनस दिया है, लेकिन किसको पता था कि इतनी बुरी हालत होने वाली है, शेयर 105 की तरफ चल जाने को लग जाएगा। तो एक नज़र देखते हैं इसके फंडामेंटल्स देखते हैं, पहले फिर टेक्निकल्स देखते हैं और क्या कुछ चल रहा है इसमें देखते हैं। ये गेल इंडिया लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं, गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक बड़ा शेयर है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बहुत बड़ा शेयर है गैस की दुनिया का। लेकिन फिलहाल आप इस शेयर को देखोगे तो आपको कहोगे कि अरे काफ़ी दयनीय स्थिति में पहुंच चुका है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 52,000 करोड़ का है, 116 का प्राइस है। अब 105 की तरफ जाने से मतलब है 105 इसकी बुक वैल्यू है, और अपनी बुक वैल्यू के पास जाएगा उसके आसपास इसको बढ़िया सपोर्ट मिल सकता है। टेक्निकल पे देखेंगे हम कि क्या सपोर्ट हो सकता है, क्या फंड चीज़ें हो सकती है। फिलहाल आप देखिए कि स्टॉक इतना नीचे गिर चुका है कि पी रेशियो आप देख सकते हो कि हर 9 रुपये के आसपास पे 1 रुपये कमा के आपको दे रहा है, ऐसा पी रेशियो दिख रहा है। अर्निंग पर शेयर अभी 13 रुपये के आसपास है। अभी रिसेंट रिजल्ट को भी हम देखेंगे, पीजी रेशियो 1.10 के आसपास है। कंपनी के ऊपर 2,000 करोड़ का डेट भी है। रिटर्न रेशियो देखिए 21% का है। इक्विटी पे देखिए रिटर्न 15-16% का है। सेल्स ग्रोथ 13-14% के आसपास के, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, और इवन सरकार यहाँ पे इसका कुछ स्टेक जो है बेचने के भी सोच रही है। इसके जो 2 बिजनेसेस है, एक डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन बिजनेस और एक मार्केटिंग बिजनेस, इन दोनों को तोड़ के, मतलब दोनों को अलग अलग करके बेचने की भी कोशिश सरकार आने वाले टाइम पर कर सकती है, ऐसा खबरों में आ रहा है। फिलहाल देखिए इसके पिछले जो परफॉर्मेंसेस रहे हैं उनको देखते हैं। पहले मैं ईयरली बेसिस पर इसका डाटा आपको दिखाना चाहता हूँ। किसी टाइम पर 24,000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ करता था, जो कि बढ़ता बढ़ता धीरे 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 करके ये रेवेन्यू पहले के 60-62 हज़ार करोड़ तक गया था, लेकिन 2016 में फिर कमी आई और ये 52 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू, फिर 48 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू। लेकिन पिछले कुछ टाइम से इस रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है और ये 76,000 करोड़ तक ये रेवेन्यू गया। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पर नजर डालते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी का क्या हाल है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। प्रॉफिटेबिलिटी पर अगर मैं नजर डालूँ तो मुझे जो देखने को मिल रहा है कि किसी टाइम पर 3,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, सरकारी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, देखिए धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता 4,000 गया, फिर देखिए यहाँ पे 5,000 करोड़ के आसपास चला गया, फिर कमी आई वही 2016 में जब रेवेन्यू गिरा तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में भी कमी आई, यहाँ पे 3,000 करोड़ हुआ, उसके बाद फिर 1,800 करोड़ हुआ, ये 2 सालों में काफ़ी कम प्रॉफिट हुआ, उसके बाद फिर प्रॉफिट बढ़ता हुआ पिछले 2019 वाले फाइनेंशियल ईयर में 6,500 करोड़ का प्रॉफिट इसने दिखाया है, बड़ा प्रॉफिट। अब एक नज़र देखिए, प्रॉफिट तो इसने बड़ा दिखाया है, लेकिन इस स्टॉक के प्राइस को हम देखते हैं। प्राइस के हिसाब से पहले क्वार्टरली बेसिस पे देखते हैं प्रॉफिट, फिर आगे डिटेल बढ़ेंगे। पिछले कुछ क्वार्टर्स जो है वो अच्छे नहीं रहे, प्रॉफिट जो है वो गिरता जा रहा है। किसी टाइम पे देखिए 1700 करोड़, 1500 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन पिछला क्वार्टर यानी कि सितंबर क्वार्टर काफ़ी बुरा रहा और 1100 करोड़ का प्रॉफिट मात्र इसने दिखाया है। और जिस तरीके से गिरावट आ रही है उस तरीके से मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जो दिसंबर क्वार्टर है वो भी इतना अच्छा नहीं जाने वाला, क्योंकि स्टॉक में गिरावट काफ़ी है। आप ये देखिए कि बड़े बड़े शेयर्स में बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, वो जो पहले ही हिसाब किताब लगा के रखते हैं और रिजल्ट आने से पहले उस शेयर में काफ़ी अप डाउन होते लग जाता है, और यही आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से 1100 करोड़ का जो प्रॉफिट था उससे पहले ही शेयर में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल गई थी। अभी मैं आपको टेक्निकल पे लेके चलता हूँ, वहाँ पर आपको और क्लैरिटी मिलेगी। गेल इंडिया का शेयर को आप देखिए और ज़रा समझिए, गोल्डन क्रॉसओवर जब इसमें बना था लास्ट टाइम यानी कि 2016 में जब गिरावट आई थी प्रॉफिटेबिलिटी में, तो काफ़ी तगड़ा गिरावट इसमें शेयर में आई थी। 150 के लेवल से शेयर गिर के 70-75 के लेवल पर चला गया था, लेकिन वहाँ से एक पॉजिटिविटी देखने को मिली और 75 पे गया हुआ शेयर
अपना पीक बनाया जिसने ऑलमोस्ट 200 के लेवल के आसपास, 200 के लेवल का उसने पीक बनाया, और जो पीक बनाया वो सितंबर 2018 के पास बनाया। और उसके बाद आप देख रहे हो कि किस तरीके से इसमें बड़ी गिरावट आई। ऑल दो बोनस की इसने अनाउंसमेंट करी थी, शेयर नीचे गिरा। सबसे पहले ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि यहाँ पे 140-145 की रेंज में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्रिएट होगा और यहाँ से स्टॉक वापस आएगा, क्योंकि इससे पहले भी सपोर्ट यहाँ पर मिल चुके थे और पुराना रेजिस्टेंस की लाइन भी ये है। तो यहाँ पे पूरी पूरी उम्मीद लगाई जा रही थी कि सपोर्ट, क्योंकि एक बार नहीं बल्कि एक दो तीन तीन बार यहाँ पे रेजिस्टेंस रह चुका है और दो तीन बार यहाँ पे सपोर्ट भी इसको मिल चुका है। तो पूरी उम्मीद यहाँ पे लगाई जा रही थी, लेकिन शेयर ने इस सपोर्ट को तोड़ा। इस सपोर्ट को तोड़ने का मतलब है कि शेयर में बड़ी गिरावट, क्योंकि एक बड़ा सपोर्ट यहाँ पे था। और बड़ी गिरावट आने के बाद जो सपोर्ट की रेंज लगी जा रही थी कि जो ये वाला कंसोलिडेशन रेंज है 120 के आसपास, 120 से 115 से लेके 125 की रेंज में कहूँगा, ये जो कंसोलिडेशन रेंज है यहाँ पे उम्मीद था कि अगला सपोर्ट मिलेगा, और डेफिनेटली सपोर्ट यहाँ पे मिला और काफ़ी दिनों तक यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ शेयर। अब इसने जो पैटर्न, जो मैं कहूँगा जो रेंज पकड़ ली थी 150 की ऊपर वाली रेंज, यानी कि जो पुराना सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम करने लग गया और नया सपोर्ट इसने यहाँ पे बनाया। और जिस तरीके से आप देखते हो कि स्टॉक जब नीचे गिरता है तो थोड़ा कंसोलिडेट करता है कुछ दिन, फिर और नीचे गिरता है, तो उस तरीके से आप देखिए फिर से इसने अपने इस सपोर्ट को तोड़ लिया है। जो 120 वाली रेंज का जो सपोर्ट था उसको तोड़ के शेयर नीचे की तरफ धकेलता हुआ नीचे जा रहा है, और नीचे जाते जाते अगर ये शेयर में गिरावट आती है तो मुझे लगता है कि जो मेन जो इसकी बुक वैल्यू है उसके आसपास ये शेयर कहीं जाएगा। और बुक वैल्यू आपने देखी थी कितनी थी शेयर की, 105 के आसपास। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस रेंज में ये शेयर जाके रुकेगा। किस रेंज में? 104, 105 की ये वाली रेंज में शेयर कहीं ना कहीं रुकने की कोशिश करेगा। तो बुक वैल्यू 105 की तरफ ये शेयर जा रहा है, और बड़ी अनाउंसमेंट अगर सरकार की तरफ से कोई होती है तो ये बड़ी रैली का भी संकेत आपको दे सकता है, बड़ी रैली का संकेत। क्योंकि यहाँ पे जो सरकारी शेयर है, जो बड़े शेयर है, जो बड़े प्रॉफिट मेकिंग शेयर है, उन पे प्राइवेटाइजेशन की जो तलवार लटक रही है वो उनके लिए वो तलवार नहीं है, खुशी की लहर है शेयर होल्डर्स के लिए। क्योंकि कभी भी BPCL की तरह अगर कहीं पे अनाउंसमेंट हो गई कि कंपनी प्राइवेटाइज हो रही है, सरकार अपना कुछ हिस्सा बेचना चाह रही है, बेचने पर जा रही है, तो वो ही शेयर को काफ़ी ऊपर धकेल सकते हैं। फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ कि डे टू डे बेसिस पे इस स्टॉक में बड़ी गिरावट जो है वो चले जा रही है। ये डेली पैटर्न है, और अगर मैं आपको वीकली पैटर्न पे लेके चलता हूँ तो आप इसका RSI देखिए, स्टॉक ऑलरेडी बियर जोन में जा चुका है। और बियर जोन में हमारे हिसाब से ये कब गया था? जब स्टॉक ने अपने 40 के RSI को तोड़ा था, यानी कि ये सपोर्ट रेंज जब तोड़ी थी 150 की, इसका मतलब ये बियर जोन में एंट्री कर चुका है। और स्टॉक एक बार बियर जोन में एंट्री कर लेता है तो तब तक बुलिश जोन में नहीं आता जब वीकली लेवल का RSI 60 को टच नहीं करता। तो काफ़ी मुश्किल है अभी इसका बुलिश जोन में एंट्री करके वापस आना। और मुझे लगता है कि जो रेंज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे 104 105 की रेंज, यहाँ पे इसको एक सपोर्ट जरूर मिल सकता है। गेल इंडिया का शेयर बोनस के लिए बहुत जाना जाता है, और आप देख पा रहे हो। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर आपको दिखाऊं, यानी कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आप देख पा रहे हो किस तरीके से ये सपोर्ट टूटा है, बड़ी तरीके से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है एक्टिव हो चुका है। गेल इंडिया के शेयर में अगर मैं देखूँ बड़े शेयर होल्डर कौन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास अच्छा खासा शेयर होल्डिंग यहाँ पे है। किसके पास? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास। आप देख पा रहे हो कि ऑलमोस्ट 2.44% होल्डिंग इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास है। LIC के पास अच्छी खासी शेयर है, 5% की होल्डिंग जो है LIC के पास है। ICICI प्रोडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास 5% की होल्डिंग है। रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी के पास होल्डिंग है। तो बड़े बड़े शेयर होल्डर का बड़ा पैसा गेल में ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ज़्यादा नीचे तो शेयर जाने से रहा, 105-100 की रेंज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज इसके लिए होने वाली है। अब देखिए इसके अलावा जो प्रोमोटर की मैं बात करूँ तो भाई ये जो है इंडियन गवर्नमेंट का, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का 52.66% की ओवरऑल होल्डिंग है। ऑलमोस्ट 23 करोड़ नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा इसमें ऑलमोस्ट 235 करोड़ शेयर्स सरकार के हैं, 52% की होल्डिंग ये है जो ओवरऑल। तो गेन इंडिया के शेयर को आपने देखा किस तरीके से ये डिविडेंड भी देता है टाइम टू टाइम, देखिए डिविडेंड भी देता है। अब आप सोचोगे यार डिविडेंड, देखिए जनवरी के टाइम फ्रेम पे ये डिविडेंड देता है, और पिछली बार जनवरी में इसने 6 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड दिया। उसके बाद मई के टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा बहुत डिविडेंड देता है। तो जनवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और रिजल्ट में अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कितना डिविडेंड देता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ये है कि इस स्टॉक की खास बात है कि 8.5, 7.5, 6.5 रुपये तक ये डिविडेंड लगातार देते आ रहा है, और इस बार तो इसने बोनस दिया है। तो कहीं ना कहीं ये डिविडेंड थोड़ा सा हाफ होकर 3-3.5 रुपये का फिर भी डिविडेंड ये जरूर अनाउंस करेगा, क्योंकि सरकार को इससे डिविडेंड लेना, अभी बेच नहीं रही तो डिविडेंड जरूर लेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो कि भाई लगातार 3 बार बोनस दिया हुआ है और डिविडेंड भी बढ़िया जनवरी में अनाउंस कर सकता है गेल इंडिया का शेयर, और अभी 105 की तरफ मूव करता हुआ।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी, और आपकी अपनी राय स्टॉक के बारे में कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।